आदरणीय सजुराव जी इस मंच पर विराजमान है। हम तालियों की कंकड़ाहट के साथ सजुराव जी को आमंत्रित करते हैं और भाई और हम सब पूजित करेंगे श्री सजुराव जी। आदरणीय सभा के अध्यक्ष श्री के लुंगटा जी, डॉक्टर स्वामी जी, गोविंद जी और मंच पर बैठे सभी महानुभावगण और इस रैली में धनबाद और बगल के जिले बोकारो और गिरिडीह से आए हुए मेरे साथियों, जो हम लोगों ने इस रैली का आयोजन 5 जून को किया है और सभी वक्ताओं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था और महंगाई के खिलाफ आंदोलन था। जेपी ने कहा कि केवल शासन बदल देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है, हमको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आज कई समूह भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अन्ना जी और बाबा रामदेव दो प्रमुख आचार्य जी ऐसे हैं जिनका कहना है कि अभी जो कानून है उसको लेकर ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, जब कानून बन जाएंगे लोकपाल का काला धन लाने का तो हम उसका उपयोग करेंगे। और आज बहुत सारे लोग हैं जो इनके इस विचारों के साथ हैं। हम सभी व्यवस्था के भीतर रहकर काम कर रहे हैं। हम सभी का जुड़ाव राजनीतिक, अर्ध राजनीतिक, सामाजिक संगठनों से है। जो लोग व्यवस्था से बाहर होकर लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जयप्रकाश जी ने 38 साल पहले जिन बातों को कहा था भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संघर्ष के लिए, उन पर गौर करना चाहिए। कोई भी लड़ाई व्यवस्था के बाहर होगी और 2014 में या उसके पहले चुनाव होगा तो कौन चुनाव लड़ेगा? जो व्यवस्था के भीतर बैठे हुए हैं, जो इस देश में कुल 1117 छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, उनके ही लोग चुनाव लड़ेंगे। और व्यवस्था के भीतर बदलाव नहीं होगा तो केवल व्यवस्था के बाहर बदलाव के लिए संघर्ष करने का इशारा जनता समझ भी जाएगी तो उस इशारे को कार्यरूप कैसे देगी? आज मैं इस मंच से स्वामी जी, गोविंद जी और आप लोगों के सामने दो बातें रखना चाहता हूं व्यवस्था के परिवर्तन के संदर्भ में। आज राजनीति में क्या हो रहा है कि जब भी कोई चुनाव आता है और किसी को अपने दल से टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे दल में चला जाता है, वहां से टिकट लेता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में जाता है। और ऐसे उछल कूद करने वालों को पार्टियां टिकट देती हैं। इसके अलावा जो बाहुबली हैं, धन बल से मजबूत हैं, वे भी अंत समय में पार्टियों के सामने आते हैं और पार्टियां सोचती हैं कि ये आदमी जीतने की क्षमता रखता है, इसको अपना टिकट दे दो, सिंबल दे दो। और ऐसे ही लोगों से पिछले 20-25 वर्षों में विधानसभाएं और लोकसभा भरती जा रही है, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हें छोटा संशोधन चुनाव के कानून में किया जाए। भारत की सरकार जो दल पंजीकृत है चुनाव आयोग के साथ उनके लिए कानून बनाए कि ये सभी दल अपने सक्रिय सदस्यों की सूची हर साल चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जैसे कोई व्यवसायी अपना इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स के सामने सौंपता है। और जो व्यक्ति कम से कम 3 साल से किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य है उसी को वह पार्टी चुनाव में खड़ा कर सकती है। यह छोटा संशोधन हो जाएगा तो पार्टी का कार्यकर्ता कम से कम 3 साल तक पार्टी में सक्रिय रूप से काम करने वाला ही चुनाव लड़ सकता है। कोई अपराधी अंत समय में नहीं आएगा, कोई बाहुबली अंत समय में नहीं आएगा, कोई दलबदलू अंत समय में नहीं आएगा और एक नहीं सभी पार्टियों पर लागू होगा। क्या हर जगह इसको लागू कर देने में अच्छे लोग आएंगे? छोटा परिवर्तन विधान सभा लोकसभा के लिए हो जाए, अच्छी विधानसभा बनेगी, अच्छी लोकसभा बनेगी तो अच्छा शासन होगा। उसी तरह से जो अपराध के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनके बारे सीआरपीसी में तय हो जाए, परिवर्तन किया जाएगा, कानून बना दिया जाए कि जब से आरोप की जांच शुरू होती है उसके 2 साल के भीतर निचली अदालत ट्रायल करके उसके अपराध का फैसला कर देगी। ये 2 चीजें हो जाती हैं तो 2 साल के भीतर जो अपराधी है, लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, उसको सजा मिल जाएगी।
और दो साल से ज्यादा किसी को सजा मिलेगी तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह भी चुनाव में बना हुआ नियम है। तो चुनाव को अपराधियों से भ्रष्टाचारियों से मुक्त करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो व्यवस्था में बैठकर लड़ने वालों के लिए लड़ाई ज्यादा कठिन होती है। व्यवस्था के बाहर केवल आदर्शवादी बातें कह देने से और केवल एक दो कानून बनाकर भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे, ये संभव नहीं हो सकता। कोई भी कानून बनेगा लोकपाल भी बन जाएगा, और कालाधन वापस लाने का अध्यादेश या कानून भी बन जाएगा तो जांच होगी, एफआईआर के बाद चार्जशीट जमा होगा, चार्जशीट के बाद फिर इसी कोर्ट में मुकदमा शुरू होगा। चारा घोटाला का उद्भेदन 1996 में हुआ, आज तक जो महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें राजनीतिक दल के लोग अपराधी हैं उन मामले का ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। एविडेंस एक्ट में और एक जो छिद्र है उसका लाभ लेकर सारे के सारे अपराधी 16 साल 20 साल 25 साल तक मुकदमा खींचते हैं, जबकि उनको 2 साल से ज्यादा सजा होने वाली है। चारा घोटाला में किसी को भी 5 साल 3 साल से कम सजा नहीं हुई है, 2 करोड़ रुपया तक जुर्माना हुआ है। तो इनका भी ट्रायल हो गया होता तो इनको भी 2 साल से ज्यादा सजा होती, और ये लालू प्रसाद जैसे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये संशोधन नहीं होंगे, व्यवस्था के भीतर बदलाव नहीं होगा, और व्यवस्था के बदलाव के लिए राजनीतिक व्यवस्था के भीतर खड़े हुए लोग आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तो ऊपर नहीं डाल सकेगा। आज क शासन में बैठा है उसके खिलाफ आरोप लगेंगे, ख शासन में बैठेगा कल और ख वही काम करेगा जो ग करते आ रहा है, और व्यवस्था के बाहर बैठकर भीड़ जुटाकर आंदोलन करना, जनता को झोंकने का जो काम करते हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे तो कैसे चलेगा। जयप्रकाश जी कहते थे, जयप्रकाश जी ने सभी राजनीतिक दलों को अपने साथ लिया था और दलों में बदलाव करा था, 4 बड़े दल मिलकर उस समय एक दल बने थे, जन दबाव में परिवर्तन हुआ था, इमरजेंसी में यह परिवर्तन हुआ था और लोकतंत्र की बहाली हुई थी। मित्रों इस रैली के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से भ्रष्टाचार हटाने की मांग करते हैं जिसके बारे में गोविंद जी स्वामी जी विस्तार से बताएंगे। दूसरा मामला इस क्षेत्र का कोयलांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्रदूषण की भारी समस्या है। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है, बड़े लोग कर रहे हैं, दबंग लोग कर रहे हैं। दामोदर जैसा नद पूरी तरह से विषाक्त पानी हो चुका है, पानी कहीं पीने लायक नहीं है। धनबाद इस देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हो गया है, और प्रदूषण फैलाने वाले कौन है? जो मुट्ठी भर पढ़े लिखे ब्रिलियंट माइंड के लोग हैं, जो IIT से पढ़ के आते हैं और BCCL, CCL, DVC में इंजीनियर चीफ इंजीनियर बनते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ के आते हैं जनरल मैनेजर और CGM बनते हैं, ये मुट्ठी भर लोग अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोयला का जो घोटाला हुआ है उसके बारे में स्वामी जी गोविंद जी बताएंगे कि 10 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का कोयला का घोटाला ही ब्रिलियंट माइंड वाले लोगों ने किया है, जो मेधावी मस्तिष्क हमारे देश का है उसने किया है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात है कि CCL, BCCL के जमीन पर, DVC के जमीन पर जो लोग बरसों से रह रहे हैं, जिनको क्वार्टर आवंटित किए गए, जिनके लिए आदेश निकला, जिनको मजदूर के रूप में लाया गया और बगल में बसा दिया गया कि आप तुम हमारे कोयला की खदान में काम करो और झोपड़ी बना के आ रहो, तो 50, 60, 70 साल से रहे हुए ऐसे लोगों को आज CCL, BCCL कह रहा है कि अतिक्रमणकारी है। ये कब से इस जमीन पर है? जब से राष्ट्रीयकरण कोयले का नहीं हुआ था, CCL, BCCL नहीं बना था, तब से ये सारे के सारे लोग उस जमीन पर बसे हुए हैं। और CCL कहता है कि अब हम इनको उजाड़ेंगे, BCCL कहता है इनको उजाड़ेंगे, हटाएंगे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा है कि CCL, BCCL जैसी कंपनियां जमीन से कोयला निकालती हैं, कोयला निकालने के बाद वो जमीन खाली हो जानी चाहिए। ये देते हैं लिख कर कि माइंस क्लोजर प्लान देते हैं कि हम इसको भर देंगे, भर के समतल करेंगे, समतल करके वृक्ष पौधे लगाएंगे, तो जैसे जैसे इनका कोयला निकलते जाएगा इनकी अधिक से अधिक जमीन खाली होती जाएगी। तो तुम्हारे पास जमीन की कहां कमी है जो लोगों को उजाड़ रहे हो, हटा रहे हो? इसलिए तुम NH 32 का एक मामला नया आया है, उसके नीचे कोयला निकला है, तो पूरे NH 32 और सब जमीन को हटाया जाएगा, हजारों लाखों लोगों को हटाएंगे और ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। ओपन कास्ट माइनिंग करने के बाद करेंगे फिर बराबर करके उनको बसाएंगे, तब तक उनकी 2 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। बगल में फुटकी बलिहारी और ऐसे कई कोयला खदाने हैं जो जमीन के भीतर अंडरग्राउंड माइनिंग है,
तो बीसीसीएल अब अंडरग्राउंड माइनिंग क्यों नहीं करता है? क्यों सस्ते में कोयला निकाल कर अपना मुनाफा दिखाना और मुहूर्त में शामिल होना और भ्रष्टाचार करना, ये बातें ये कंपनियां क्यों कर रही हैं? आउटसोर्सिंग हो रही है। 72 में कानून बना, नेशनलाइजेशन हुआ और आज सीसीएल बीसीसीएल आउटसोर्सिंग करके फिर से प्राइवेट हाथ में दे रही है, तो उस कानून का क्या हुआ जो 72 में बना था नेशनलाइजेशन के लिए? मजदूरों का क्या हो रहा है, ठेका मजदूरों का क्या हो रहा है, दिहाड़ी पर काम करने वालों का क्या हो रहा है? ऐसी फौज खड़ा हो रही है जो बेरोजगार है, जो कम पैसे में काम करती है, जो मजबूर होकर काम कर, अपना पेट काट कर काम करती है। तो ऐसे लोगों के जेब से रोज 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया महंगाई के नाम पर या भ्रष्टाचार के नाम पर निकाला जा रहा है और काला धन का भंडार खड़ा होकर देश के बाहर जा रहा है। तो इसको हमको सोचना होगा कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। तो ये कुछ मांगे हैं। एक और मांग जो हम जिसके साथ हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, 1974 के आंदोलन के बाद इमरजेंसी आ गई देश में, ऐसे कानून बने जिसमें हाईकोर्ट तक मीसा डीआईआर में जमानत नहीं हो सकती, इसके बावजूद लोगों ने इमरजेंसी हटाकर फिर से लोकतंत्र बहाल करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, सत्याग्रह किया, जेल गए। और वैसे लोगों को बिहार में नीतीश कुमार ने एक सम्मान पेंशन दे दिया है। हम तो कहते हैं पेंशन मत दीजिए, कम से कम सम्मान तो दीजिए। जो 1974 आंदोलन के 2500-3000-4000 लोग झारखंड में है, बिहार झारखंड एक रहता तो उनको सम्मान मिला होता। तो यहाँ की सरकार भी इनको सम्मानित करे, कोई ताम्रपत्र जैसा चीज बना कर दे कि आजादी को फिर से बहाल करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन में ये लोग थे और इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। तो ये चीजें 3-4 मुद्दे उठाकर हम लोग राज्य भर में ऐसी रैलियां कर रहे हैं। ऐसी रैलियों का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, जन जागरण, जन चेतना, लोग खड़ा हो, व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो और भ्रष्टाचार के मामले में ये सोचकर खड़ा हो कि इसमें अपना और पराया नहीं चलेगा। अपना भ्रष्ट तो उस पर जांच हो जाए, जांच होने के बाद कोर्ट फैसला करे तब हम सोचेंगे, और दूसरे का भ्रष्ट तो जैसे अखबार में खबर छपी कल से मसाल जुलूस निकाल के आंदोलन करना शुरू किए कि इस्तीफा दे, त्याग पत्र दे, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आंतरिक व्यवस्था में सुधार करना होगा और इसके लिए उन्हीं को खड़ा होगा जो इस व्यवस्था में है। अपना पराया तेरा मेरा की बात भ्रष्टाचार के मामले में चलेगी तो कभी भी भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम कोई भी शुरू करे वो मुहिम पूरा नहीं हो सकेगी। इसलिए आज जरूरी है कि हम केवल बाहर नहीं देखें, अपने भीतर भी देखें, हम जहां हैं वहां भी देखें, वहां भी ठीक करना है। इसलिए ऐसे आंदोलनों को, हम लोग ऐसे अभियान को, ऐसी रैलियों को इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। कोई अगर इससे दूसरा मैसेज ग्रहण करने की कोशिश करता है या अपने आप के मन में भ्रम पालता है कि इसका उद्देश्य कुछ है, तो उससे बड़ा वितंडावादी और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हम जयप्रकाश नारायण जी के कहे अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हम घर में दिया जलाकर चले तभी मंदिर में दिया जलाने की कोई सार्थकता है, नहीं तो बिना घर में दिया जलाए मंदिर में दिया जलाकर हम पाखंड करें इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इस रैली से एक सार्थक संवाद जाएगा, मानना चाहिए, लोगों को ग्रहण करना चाहिए और जब लोग ग्रहण करेंगे तो सार्थक परिवर्तन होगा। जिनको ऐसी रैलियों से भय रखता है, जो व्यवस्था के हिस्सा बने हुए हैं, जो उस पर कायम रहना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ हमारी या हमारी लड़ाई में साथ रहने वालों की कोई सहानुभूति नहीं है और हम उनको गया गुजरा मरा हुआ व्यक्ति मानते हैं जो इस व्यवस्था में रहकर अपना निहित स्वार्थ पालन करना चाहते हैं। व्यवस्था में रहकर जड़ जमाकर बुराइयों के ऊपर मंजिल, एक मंजिला, दो मंजिला, टू टायर, थ्री टायर, पंचायत से लेके जिला परिषद, विधानसभा, संसद तक जो सीढ़ी बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के लोगों की मानसिकता बदलने का ये आंदोलन है, ये जनचेतना रैली का ये एक उद्देश्य है। मित्रों, आज हम लोगों के बीच में माननीय गोविंद जी हैं, डॉक्टर स्वामी हैं, समय कम है, इनको राजधानी ट्रेन से जाना है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ खास करके पत्रकार मित्रों से, मीडिया के साथियों से, कि इस रैली में जो बातें हो रही हैं वो सही संदर्भ में आम लोगों तक पहुंचे और इस झारखंड में भी एक नया मौसम आए और ये नारा लगे कि व्यवस्था बदलो झारखंड बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबों का मार्गदर्शन करें। इस सभा के अध्यक्ष रुंता जी, मेरे पुराने मित्र
सरजू राय और गोविंद आचार्य मंच में उपस्थित इस आंदोलन के नेतागण और झारखंड और विशेष धनबाद के आदरणीय नागरिकों, मेरा ट्रेन पहले जाएगा, इसलिए मैंने अनुमति ले ली गोविंद से कि मैं उनके पहले बोलूंगा। आज हम जयप्रकाश नारायण को स्मरण करते हैं। उन्होंने जो जून 5 तारीख को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की आह्वान की थी। मेरा परिचय जयप्रकाश जी से 1968 से हुई, जब मैं अमेरिका में प्राध्यापक था अर्थशास्त्र का, और वो अमेरिका दौरा में आए थे। उस समय वो सर्वोदय में थे और राजनीतिक चित्र में उनका नाम कहीं नहीं दिखता था, लेकिन जब वो मेरी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ने मुझसे कहा कि उनकी 3 दिन की जो स्टे है उस पर उनका देखभाल करें। तब मेरा परिचय उनसे हुआ। मैं तो उनको जानता था नाम से और मुझे ये गर्व था कि मैं उनका देखभाल करने के लिए मुझे एक मौका मिला। जेपी ने मुझसे कहा कि जब भी आप हिंदुस्तान वापस आएंगे तब कुछ आपने पढ़ाई के काम शुरू करने के पहले सर्वोदय में थोड़े दिन रहकर जाएंगे, ये वचन करिए। मैंने वचन दिया और जब एक साल के बाद हम इंडिया लौटा आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए, तो 6 महीने के लिए मैंने सर्वोदय के काम मधुरे नगर जो मेरा घर है तमिलनाडु में वहाँ मैंने बीता। और उसके बाद मैं जयप्रकाश जी को मिलने गया तो उन्होंने पूछा सर्वोदय के बारे आप क्या सोचते हैं, तो मैंने कहा कि इस हिंदुस्तान में सिर्फ सामाजिक काम से लोग प्रभावित नहीं होते, इस हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत से एक ही सीखते हैं कि भले आप पद से दूर रहे लेकिन राजनीति और समाज परिवर्तन दोनों का समन्वय करके ही करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी भले वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन उन्होंने राजनीति पूर्ण किया, समाज में भी परिवर्तन के लिए काम किया, ऐसा ही करना चाहिए। तो उस समय जयप्रकाश जी सहमत नहीं थे, मुझसे थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, मैं 1970 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों पर सोचकर इसी राय पर पहुंचा हूं कि हमारे देश की आज के परिस्थिति में राजनीति को एक शत्रु बना करके समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। और वहां से ही लोक संघर्ष समिति उनका आंदोलन में जुड़ना ये शुरू हुआ। मैं तो आखिर तक उनके साथ था और इसीलिए उनके कारण से ही मैं समझता हूं कि आज हम लोग इस देश में लोकतंत्र देख पा रहे हैं। जो भी है लोकतंत्र वो दिखाई पड़ता है, बगल के देशों में कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र चले गई थी, इमरजेंसी लगी थी और लगने के बाद ये प्रचार हुई कि ये जो हिंदुस्तान है इसमें अनपढ़ लोग बहुत हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनको लोकतंत्र से क्या मतलब है और वो लोकतंत्र को नहीं चाहेंगे, ऐसा प्रचार हुआ था। लेकिन जेपी ने मुझसे कहा था कि इस देश में जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अभी पश्चिमीकरण उनका नहीं हुआ है,
इसीलिए हमारे जो पुराने सोचे जो सभ्यता है वो आज भी गांव में है। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए हमारी गरीब जनता में कि सही नए समय पर वो सही निर्णय करेंगे। और यही हुआ, इमरजेंसी अचानक हट गई क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया और चुनाव में ये जो गरीब जनता है जिसके बारे प्रचार होती है कि जाति में बटे हुए हैं, शराब में लेकर वोट दे देते हैं, यही गरीब जनता ने क्रांति दिखाई और उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां सबसे गरीब जनता है इंडिया में, उनके लोगों ने कांग्रेस पार्टी की एक सीट को भी जीत नहीं दी थी, इंदिरा गांधी को भी हरा दिया और दुनिया भर में हमारी देश की जय जयकार हुई। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी आप कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी प्रचार हो, कितना भी टीवी में फोटो आपकी आए, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में रोज हम राहुल गांधी का फोटो देखते थे। अब राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री के रूप में सारे समाचार पत्रों बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इस देश के बारे में कुछ जानता है इसमें मुझे संदेह है। और मैंने एक बार उसके पत्रकार सम्मेलन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, मायावती की सरकार में इतनी हाहाकार मची है कि मैंने लाशों का एक पहाड़ देखा। तो पत्रकार हैरान हुए, सब भागकर गए वहां देखने के लिए और वो देखा कि वो पहाड़ गोबर की बनी हुई पहाड़ थी, लाशों की नहीं थी। अब ऐसे बुद्धू आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दी। अमेठी में सारे असेंबली सीट्स जो पार्लियामेंट के सीट में है उनके राहुल गांधी के एक एक में हरा दिया, रायबरेली में भी हरा दिया। तो ये हमारी जनता के पास ताकत है कि जब मन बन जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। तो इसीलिए हम उस विश्वास के साथ आपको अपने विचार रखने चाहते हैं। दूसरी बात जो अभी सज्जू राय ने कही कि हमारे जो व्यवस्था बदलने की बात की है कि उसमें सुधार लाने के, हम व्यवस्था के बाहर नहीं रहेंगे जैसे नक्सलाइट्स रहते हैं कि इसको तोड़ो, इसको खत्म करो, ये पूंजीवाद है, ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि इसी व्यवस्था में रह करके हम परिवर्तन लाएंगे और समाज जो आना आवश्यक परिवर्तन वो भी करेंगे। 2 साल पहले मुझे लोगों ने कहा कि कोई मंत्री अंदर नहीं जाएगा जेल में, कभी नहीं हो सकता, हमारे देश में कोई बड़ा आदमी पकड़ा नहीं जा सकता। और मैंने जाकर सिर्फ एक चिट्ठी लिखी क्योंकि किसी मंत्री को सजा देनी है या केस चलनी है तो अनुमति लेनी होती है प्रधानमंत्री से, क्योंकि नहीं तो सब लोग मंत्रियों के ऊपर रोज कुछ ना कुछ अर्जी डालते देंगे। तो कोई होना चाहिए जो छांटेगा किसमें दम है किसमें दम नहीं। परंतु हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नाम का ही है, वो फैसला नहीं कर सकता, ऐसे महत्वपूर्ण फैसला नहीं कर सकता। मैं तो उसको व्यक्तिगत बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने चिट्ठी लिखी, दूसरा चिट्ठी लिखी, 5 चिट्ठी लिखी। लोगों ने कहा जब प्रधानमंत्री नहीं मानेगा आपकी चिट्ठी की लापरवाही करेगा तो कुछ नहीं होने वाला राजा का। तब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, जो धारा 32 के अंतर्गत कोई भी जा सकता है, आर्टिकल 32 के अनुसार सब अपने मूलभूत अधिकार के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से जवाब चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है कि इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना, और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से चिट्ठी जवाब चाहता हूं। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार हमारी देश के इतिहास में
प्रधानमंत्री को नोटिस पूछा और पूछा क्यों जवाब नहीं दिया एक चिट्ठी के लिए। ये पहली बार हमारे देश में हुआ। फिर तो प्रधानमंत्री ने मैंने ऐसा किया वैसा किया, आखिर में मुझे परमिशन मिली, राजा के ऊपर केस डाला, राजा गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर गए, चार्जेस बनी, चार्जेस बनने के बाद दंड होने के पहले सबको अधिकार होता है बेल में छूट के आने के लिए। वो उसी बेल में आए हैं, उनको कहा गया कि तमिलनाडु आप नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हत्या हो सकती है, वो बहुत जानते हैं। तो उसके बाद करुणानिधि की बेटी भी अंदर चले गई, फिर जो इस राजा के पहले टेलीकॉम मिनिस्टर थे उसकी मारन की बनी बारी। अब मैं केस डाला हूं चिदंबरम पर भी, और चिदंबरम के बारे जो सबसे छोटी कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि राजा ने अकेला फैसला नहीं किया, चिदंबरम से मिलकर फैसला किया, जैसे मैंने सबूत रखी थी कोर्ट के सामने। लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि मैंने चिदंबरम एक आपराधिक मंशा से किया, ऐसा मैंने सिद्ध नहीं किया, मैं तो नहीं करना है, मुझे तो नहीं करना, हाँ हत्या के लिए मैं केस डालता तो एक मंशा के साथ उसने जानबूझकर हत्या की, ये दिखाना होता है, बलात्कार में दिखाना होता है। लेकिन भ्रष्टाचार में अलग एक कानून बनी है जिसमें इतना ही दिखाना है कि देश के लिए नुकसान हुआ इसके निर्णय से, और इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया, ट्रायल कोर्ट के विरुद्ध में बहस की, ऑर्डर रिजर्व है, जुलाई में आएगी, इसके जैसे ऑर्डर रिजर्व हुए निर्णय का फैसला अपेक्षित है, और उस समय मैंने दो और केसेस भी डाल दी, तो चिदंबरम जेल जाना तो मुझे लगता है जरूरी है, जाएगा निश्चित है, ऐसा मैं समझता हूं। मुझे तिहार जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने कंप्लेंट भेजा है मेरे मित्र के जरिए कि बोलो ये स्वामी रोज मद्रासियों को अंदर जेल भेज रहा है, पहले राजा, फिर कन्नीमोड़ी, फिर मारन, फिर चिदंबरम। तो मैंने मित्र से पूछा क्या बात है, इसमें क्या बुरा है, उन्होंने कहा कि ये सब लोग आते हैं और मसाल डोसा मांगते हैं, बावर्ची आलू पूरी बनाना जानता है, मसाल डोसा नहीं जानता है। तो मैंने कहा कि उस बावर्ची को कहो कि तैयार रहे, अभी वो एक इटालियन आने वाली, वो पिज्जा मांगेगी, तो फिर क्या करोगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार तीव्र गति हुई है इस सोनिया गांधी के कारण, उसके विदेशों में बैंक अकाउंट में जमी कितनी पैसा, 1,00,000 करोड़ रुपए। एक जमाने में इसके पास खाने पीने के लिए 3 बार एक दिन में खाने पीने के लिए पैसा नहीं थी, बहुत गरीब हुई परिवार से आई, इसकी पढ़ाई तो 5वीं क्लास भी नहीं है, पहले झूठ बोलती थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री मिला, वो जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने शपथ भी लिया कि मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिला। मैं गया था लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, वहां उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था, और मैंने लिखित में मांगा तो उन्होंने लिखित में भी दे दिया। तब मैंने लोकसभा के अध्यक्ष को दिया कि भाई इसने तो झूठ बोली है, पार्लियामेंट की जो हुज हु है उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। तो फिर स्पीकर ने उसको चिट्ठी लिखा और उसने जवाब दिया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब टाइपिंग मिस्टेक एक अक्षर का हो सकता है, उनकी पूरा व्याख्या कैसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, और यदि है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सोनिया गांधी का नाम आना चाहिए सबसे लंबा टाइपिंग मिस्टेक करने के लिए। लोग मुझे पूछते हैं कि
आप इसकी बुराई क्यों करते हैं? ये बहू बनने चाहती है, इटली से आकर साड़ी पहनती है, कभी टीका भी लगाती है, कभी कभी मंदिर भी चले जाती है। मैं आपको बताने चाहता हूं, कृपया आप रामायण को याद करिए। तो आपको बुद्ध इस देश में लोग को बुद्ध करने के लिए आई है, और हर बात पर आप देखते हो कि वो हमारे देश की जो अपमान हो सकती है वो करती है। ये प्रधानमंत्री को क्या बना दिया उसने? ये बनने के लिए तैयार है वो तो दूसरी बात। लोग मुझे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के पास इतनी शक्ति होती है, ये प्रधानमंत्री शक्ति को उपयोग क्यों नहीं करते? तब मैंने कहा, देखो सर्कस में जाओगे तो एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे, सिंह माने लायन, और वो सिंह को नचाने के लिए एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा और फिर हुक्म देगा सिंह को, सिंहों को, ये 5 को ऊपर चढ़ो। एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से उसको मारे, दांत की बात छोड़िए, दांत से काटने की बात छोड़िए, पंजे से मारेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन वो आज्ञा मानकर ऊपर चढ़ते हैं। क्योंकि बचपन से ही जब छोटा होता है सिंह, उससे ही इसकी मंशा तैयार की जाती है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है, सोनिया गांधी रिंग मास्टर है, वो जो कहती है वही करता है। तो आखिर में हमारे देश में राजनीतिज्ञ होनी चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी, नहीं तो इस देश में नहीं कर सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं, है हमारे पास, हिम्मत चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। हमारे देश की जो संपत्ति है विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से 70 लाख करोड़ रुपए है, 70 लाख करोड़ रुपए। इसके अनुपात में देखिए टोटल टैक्स अपने देश में जो लगती है, आपके इनकम टैक्स और ये सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स मिलकर के 5 लाख करोड़ है, सिर्फ 5 लाख करोड़ है 70 करोड़ की तुलना। जो हमारे देश में बजट में घाटा है वो 4.5 लाख करोड़ है, ये सारा पैसा वापस आ जाए तो फिर आपको टैक्स कई सालों के लिए देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये पैसा विदेश में जा रहा है, इसीलिए दाम सब चीज की बढ़ा रहे। पेट्रोल के दाम 7.5 रुपया एक साथ बढ़ा दी, परंतु पेट्रोल का दाम पहले तो बढ़ाते थे ये कहकर कि विदेश में अरब देशों ने बढ़ा दिया, लेकिन इस बार 2 महीने के अंदर अरब देशों ने पेट्रोल का दाम कम करके 110 रुपए प्रति बैरल, एक डब्बा, एक कंटेनर, $110 से उन्होंने $90 किया था। दाम तो कम हुआ है, कहते हैं कि नहीं परंतु डॉलर का जो कीमत है रुपए के अनुपात में वो बढ़ गया। तो उसने किसने बढ़ाया? हमारे देश से जो काला धन विदेश जा रही है उसके कारण डॉलर की मांग बढ़ गई है, दुनिया भर में डॉलर गिर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में काला धन विदेश जाने के कारण डॉलर की दाम बढ़ रही है। और ये डॉलर कैसे बाहर जाती है? हवाला के जरिए। हवाला लोग कहां से ले जाते हैं? दुबई से ले जाते हैं। दुबई में कौन बसा हुआ है, ताकतवर शक्ति कौन सी है? आईएसआई पाकिस्तान का। इसीलिए आईएसआई पाकिस्तान को पता है कि हमारे कौन सा मंत्री के पास कितने पैसा जमा हो रही है विदेश में, कौन सी बैंक में। तो जब ये जानकारी है और आपको डर है कि ये बाहर निकल जाए तो मेरी क्या होगा इस देश में, कौन मंत्री को हिम्मत होगी पाकिस्तान के सामने खड़े होने के लिए? लोग मुझे पूछते हैं कि अफजल गुरु को क्यों नहीं फांसी देते, किस मंत्री के पास यह हिम्मत है? तो
तो ये 70 लाख करोड़ रुपए विदेश से वापस कैसे लाया जा सकता है? ये जन लोकपाल बिल से नहीं आई। जन लोकपाल बिल जैसे संजू राय ने कहा कि आने दो, उसका भी फायदा उठाएंगे, लेकिन आज के कानून में भी विदेश से पैसा ला सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। उसके लिए क्या करना चाहिए? अध्यादेश निकालना चाहिए। अध्यादेश के में क्या लिखा होना चाहिए कि जो भी भारतीय जिसकी बैंक अकाउंट ये गुप्त बैंकों में है, और 70 देश है ऐसा जहां है, वो सारे राष्ट्रीयकरण हम कर रहे हैं, उसकी नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ये सब सरकारी पैसा है और क्या ऐसा विवरण देगा तो उसकी अकाउंट को डिफ्रीज करके वापस कर सकते हैं और बाकी सारा अपना बन जाएगा। ये हो सकता है? यूनाइटेड नेशंस ने टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ करने के लिए, आतंकवाद के लिए उन्होंने ये सारे नियम बनाए हैं। हमारी सरकार कर सकती है, परंतु ये सरकार कैसे कर सकती है जब इनका ही पैसा विदेशों में है? ये कभी करने वाली नहीं है, परंतु कोई नई सरकार आई तो कर सकती है। ये सरकार तो इतनी डरती है कि एक बार जर्मनी 1.5 साल पहले, बगल में एक छोटा सा देश है जहां गुप्त बैंक चलते हैं, लिश्टिनश्टाइन, वहां देखा, उनको सूचना मिली कि उनके जर्मन ऑफिसर्स का गुप्त अकाउंट है। तो जर्मन गवर्नमेंट ने लिश्टिनश्टाइन को कहा कि हमें दे दो इसका विवरण। तो लिश्टिनश्टाइन के गवर्नमेंट ने कहा हम कैसे कर सकते हैं, हमारे सारा बिजनेस खत्म हो जाएगी, गुप्त कारण की हम पैसा आ रही है। तो फिर जर्मनी ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि हम सीनियर जो कोई ऑफिसर है, वरिष्ठ ऑफिसर, उसको रिश्वत देकर सारा ले लेंगे। तो उन्होंने सबसे बड़ा ऑफिसर को पकड़ करके करोड़ों रुपए का रिश्वत दिया उसको और कहा कि सारे अकाउंट्स सीडी में डालकर हमें दे दीजिए। तो उसने सारे जो गुप्त अकाउंट्स थे उसको सीडी में डालकर जर्मन गवर्नमेंट को दिया। जर्मन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, उसको डाउनलोड करके प्रिंट किया और देखा 24 देशों से नागरिकों का अकाउंट है वहां। तो उन्होंने देश के हिसाब से छांटा और इन 24 देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हमारे तुम्हारे देश के लोगों को भी कभी अकाउंट्स है, आपको चाहिए तो हम आपको विवरण भेजने के लिए तैयार है। इन 24 देशों से 23 देशों ने तुरंत चिट्ठी वापस लिखी कि हाँ भेज दीजिए, एक देश ने चिट्ठी लिखी नहीं, वो आप समझ सकते हैं कौन सा देश होगा, वो तो अपना देश है। शर्म की बात है, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार को आदेश देना पड़ा, आदेश दिलाया गया, उसके बाद वो मंगवाए, लेकिन अभी तक वो उस लिस्ट को खोला नहीं। 16 नाम है, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, तो मिल सकता है और ये पैसा ला सकते हैं और लाएंगे तो फिर हमारे देश में किसी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी कई सालों के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहने चाहता हूं, ये कभी मत सोचिए कि हमारे देश में हम भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकते। ये जो निराशा है यही हमें बिगाड़ती है, निराशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप में ये विश्वास होनी चाहिए और आप में मांग होनी चाहिए, ये सब भ्रष्ट लोगों को पकड़ना चाहिए और चुनाव के वक्त में ऐसे लोगों को चुनकर भेजेंगे कि जो इसके लिए काम करेंगे। ये आवश्यक नहीं है हमारे सिस्टम में कि सब ईमानदार हो, प्रमुख लोगों में 10-5 लोग होंगे तो पर्याप्त है, बाकी लोग डर के मारे चुप बैठ जाएंगे। अब अकेला कर रहे हैं इतना, तो मेरे जैसे 5 लोग सरकार में होंगे तो ये लोग कहां होंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये आपके हाथ में है। हमारे देश दुनिया के सबसे विकसित देश थी, दुनिया से लोग आते थे, हमें कहते थे सबसे ईमानदार देश है। चाइना से आया था फासियन 1700 साल पहले, उसने क्या कहा,
लिखा क्या है, यही तो लिखा। उसके बाद 700 साल के बाद युआन चोंग आया भिक्षु चाइना से, उसने भी ये लिखा। पोर्चुगल से वास्को डा गामा आया, उसने भी यही लिखा। और फिर मार्क ट्वेन आए थे अमेरिका में, उसने भी ये लिखा। 600 साल तक पहले हमारे देश को दुनिया में सबसे ईमानदार देश माना जाता था, क्योंकि हमारे देश में ईमानदारी इसीलिए होती थी क्योंकि हमने पैसे के आधार पर समाज को रचना नहीं की। असली सनातन धर्म, हो सकता है दूसरे धर्म में भी है परंतु मैं तो सनातन धर्म ही जानता हूं, और सनातन धर्म की मूल्यों को वापस ला करके ये जो लालच है पैसे के लिए कि पैसे के आधार पर मैं समाज में प्रतिष्ठा पाऊंगा, जितना पैसा है उतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, ये खत्म करनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश की जो क्षमता है इसको पहचान लीजिए। भले हमारे देश में आज मंदी है, संकट है, इस देश में 12 महीने कृषि कर सकते हैं जो किसी देश में नहीं है। अमेरिका में 5 महीने के लिए हिम गिरती है और हमारे देश में 12 महीने आप कृषि कर सकते हैं, 3 फसल बो सकते हैं, परंतु सिर्फ 25% में हम एक से ज्यादा फसल बोते हैं। पानी की कोई नजर कमी नहीं है यदि हम सारे नदियों को एक जाल में जोड़े। इसी प्रकार से हमारे देश में जो उत्पादन होती है कृषि में वो न्यूनतम लागत की है। हमारे देश में 15 करोड़ गाय हैं, एक साल में 200 लीटर ही देते हैं। सही खाना देकर उनकी सही व्यवस्था करके इजरायली गाय को 11,000 लीटर मिलती है देते हैं। हमारे देश के 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देंगे तो धनबाद की इस मीटिंग में तो हमें दूध में तैर के आना पड़ता, इतनी दूध हमारे देश में होती। और ये इसका दाम 1/15 है, यूरोप में दूध का दाम 15 गुना है। यदि हमारे किसानों को कोल्ड स्टोरेज और छोटी छोटी हवाई जहाज की एयरपोर्ट सब जगह में खड़ा करके दे व्यवस्था, इंटरनेट सिखाए, तो इनकी निर्यात करके जो आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं कमा सकते वो विदेशों में कई गुना कमा सकते हैं। तो कोई चीज की कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे लोगों की योग्यता हम देख रहे हैं अमेरिका में, यहां कुछ नहीं मौका मिलती है वहां जाकर के चमकते हैं। सॉफ्टवेयर में हम 1 हो गए हैं दुनिया में, तो किस चीज की कमी है? ये निष्ठा की कमी है, ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार ने हम लोगों को गिरा दिया है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें आज आगे काम करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये हमारी एक इतिहास रही है कि दुनिया के सबसे विकसित देश रहे कितने सालों के लिए। सब यहां आते थे, इसको सोना की चिड़िया कहते थे, लेकिन आक्रमण के कारण हम दब गए, परंतु वहां भी हम लड़ाई कभी नहीं छोड़ी इस हिंदुस्तानी। ईरान जो बगल में देश है वो पहले पारसियों का देश था जो अग्नि पुजारी होते थे, मुसलमान ने उसका आक्रमण किया, आक्रमण करके 15 साल के अंदर उन्होंने उसको 100% मुसलमान बना दी। बगल में इराक को 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट को 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% मुसलमान बना दी। लेकिन हमारे देश में 800 साल की मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज अंग्रेजों के जरिए, लेकिन अभी भी हम 83% हिंदू हैं। इसके माने यहाँ की जनता लड़ते रही। हमें कोई नफरत नहीं है मुसलमानों से। मैं तो कहता हूं कि आज के आधुनिक एनालिसिस के साइंटिफिक जो वैज्ञानिक विश्लेषण है उसके अनुसार हमारी जो रक्त है उससे मुसलमान की रक्त है, क्रिश्चियन की रक्त है, एक ही है। आज डीएनए का जो ढांचा होती है, जो जो असली अपने जात को पहचानती है,
वो हमारे लिए सब के लिए एक है, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, शेड्यूल कास्ट हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब एक ही है। थोड़ी दिन पहले मैंने बॉम्बे में वहां राज ठाकरे अभियान चला रहा था कि ये यूपी से आया हुआ टैक्सी वाला ये हमारी नौकरी छीन रहा है और ये हमारी मराठी की बर्बादी कर रहा है। तब मैंने उसकी डीएनए निकलवाई, क्योंकि बाल से भी डीएनए पता कर सकते हैं, और तो जिस नाई के पास जाता उससे हमने एक बाल की सैंपल मंगवा ली, और फिर 5 रुपया देकर एक यूपी टैक्सी वाला से मैंने बाल की सैंपल ली, और दोनों का एक ही डीएनए है। और मैंने वहां पब्लिकली बोला था कि राज ठाकरे भी यूपी बिहार से आया है, क्योंकि उसका डीएनए उन्हीं का जैसा है। तो ये अंग्रेजों ने हमें बांटा, कोई आर्यन, कोई भगवान से वर मांगा और शिव भगवान ने प्रसन्न होकर दिया। उस शक्ति को लेकर वो जब आया तो देखा कुबेर ने श्रीलंका को बहुत सुंदर कर दिया, तो फिर वो गया वहां आक्रमण करके वहां का राजा बना। अब आजकल तो करुणा निधि रावण का अच्छा ही नहीं करता, वो रावण लीला नहीं मनाता है, ये मैंने समझाने के बाद, पर राम का बुरा ही करता है। स्वामी सुप्रीम कोर्ट में कहता है राम सेतु, ये राम सेतु कैसा हो गया? राम कोई इंजीनियर था? किस इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री मिली? दूसरे दिन बीमार हो गया तो उसको भर्ती किया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। कम से कम राम के पास MBBS तो था। तो मैं आपसे कहने चाहता हूं कि हमारे बांटने के लिए बहुत लोग हैं, कोई फर्क नहीं है। ये जो वर्ण है ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य और शेड्यूल कास्ट, ये आएंगे ज्ञान के लिए प्रयास करेंगे, और आपके पास संपत्ति नहीं, आपके पास धन नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास शस्त्र नहीं, तो आप ब्राह्मण कहा जाते हैं। वेद व्यासा जिसने लिखी महाभारत, वो तो उनकी मां तो मछुआरा थी, वाल्मीकि तो दलित परिवार में पैदा हुए, कालिदासा जो महर्षि थे महाकवि, वो तो जंगल में पेड़ की शाखाओं को काटता था, और ऋषियों के ऋषि विश्वामित्र, वो तो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए। रावण ब्राह्मण था, और जब एक क्षत्रिय राजा ने उसकी वध की, ब्राह्मणों ने नहीं कहा कि इसने हमारे एक ब्राह्मण को मार दिया, उन्होंने राम की पूजा की। ये हमारी समाज थी जिसमें विकृति आ गई है। तो हम लोगों को एक होना चाहिए, एक राष्ट्रवाद भावना पैदा होनी चाहिए कि हम दोबारा एक बार विकसित बनेंगे। हमारे पास है कुछ सब कुछ, सिर्फ हमारी चेतना में कोई प्रॉब्लम है। जैसे वो सर्कस में सिंह होते हैं, वैसे हमारी भी चेतना को दबाया गया है। नई चेतना से हाँ हिंदुस्तान को मैं पुनरुत्थान लाएंगे, ये संकल्प करना चाहिए। यही JP का मैसेज था कि हम लोग खड़े होंगे, जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, उन्होंने कहा था। और मैं आज इनको यही कहता हूं, मैंने जो देश के दौरा किया है पिछले दिनों में, उससे कहता हूं कि अब लगता है जनता आ रही है, और इन लोगों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा, और एक नया भविष्य हमारे देश में निर्माण होगा। यही मैं कहने चाहता हूं। धन्यवाद और नमस्कार। अस नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसा परिवर्तन लाया जो केंद्र से लेकर कई प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता झूठ हो गई। डॉक्टर स्वामी, उस आंदोलन का जन्म इसी कोलांचल के